जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ के बारे में जानेंगे। ओम्स लॉ जर्मन के साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में पोटेंशियल डिफरेंस वी रेजिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक करंट आई के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन किया जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट टेम्परेचर डेंसिटी में कोई चेंज ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है। वी अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, वी अपॉन आई बराबर आर, वी बराबर आई आर, वेयर आर एक कांस्टेंट है जिसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से हमें दो रिलेशन मिले, वी प्रोपोर्शनल आई और आई प्रोपोर्शनल वी। वी प्रोपोर्शनल आई ये बताता है कि करंट के बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ती है, और आई प्रोपोर्शनल वी ये बताता है कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट बढ़ेगी। याद रखिएगा कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है। अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वोल्टेज कम होता है तो करंट हमारी बॉडी में कम बहेगी, और यदि वोल्टेज अधिक है तो करंट हमारी बॉडी में अधिक बहेगी। इसलिए जितना वोल्ट अधिक होगा उतना ही करंट का मान भी अधिक होगा और इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव भी अधिक होगा। ये भी याद रखिएगा कि ओम्स लॉ डीसी पर वर्क करता है, एसी पर नहीं करता। अब बात करते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, तो याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर ओम्स लॉ का नियम नहीं लगता है, लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें तो ओम्स लॉ लगता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जब टेम्परेचर, प्रेशर और रेजिस्टिविटी स्थिर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल लैम्प या हीटर। लैम्प जो है एक कंडक्टर भी है, रेजिस्टिव लोड भी है, लेकिन ओम्स लॉ नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए। लेकिन जब लैम्प ग्लो होगा तो हीट होगा, उसका टेम्परेचर जो है स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, रेजिस्टिविटी स्थिर होने पर ओम्स लॉ कंडक्टर पर लगेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ओमिक सर्किट की। ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट जिनके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है उन्हें ओमिक सर्किट या ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमिक कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वह ओमिक कंडक्टर या ओमीय चालक कहलाते हैं। अनओमिक कंडक्टर या सर्किट, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट अथवा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें अनओमिक कंडक्टर या अनओमिक सर्किट कहते हैं। किरचॉफ लॉ, रूस के वैज्ञानिक गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, जिन्होंने सन 1942 में दो नियम बताए जिन्हें किरचॉफ लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ, इसे इलेक्ट्रिक करंट लॉ, धारा का नियम, इसे संधि का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसे KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर मिलने वाली करंट का एलजेब्रिक सम जीरो होता है, सिग्मा आई बराबर ज़ीरो। एग्जांपल के लिए, इसमें I1 और I2 करंट आ रही है जंक्शन की ओर, और I3, I4, I5 जंक्शन से जा रही हैं। I1 प्लस I2 इक्वल होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। अगर इसे हम प्रैक्टिकली समझें तो आप सबके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा। दो वायर एनर्जी मीटर की ओर आते हैं और दो वायर एनर्जी मीटर से बाहर निकलते हैं, जिनसे आप अपने घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को चलाते हैं, और जितनी सप्लाई आप यूज़ करते हैं वह एनर्जी मीटर में आने वाली सप्लाई के बराबर होती है। इस प्रकार जंक्शन की ओर आने वाली और जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट का एलजेब्रिक सम ज़ीरो होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट नोड की ओर आती हैं वह पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक करंट नोड से दूर जाती है उन्हें निगेटिव लिया जाता है।
किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है। KCL हमेशा पैरेलल सर्किट पर ही लगता है, चाहे वो AC सर्किट हो या DC सर्किट। सेकेंड लॉ, इसे वोल्टेज लॉ, मेस या लूप का नियम भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी क्लोज्ड DC सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और उनके कंपैटिबल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम EMF के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, σIR = σI। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें दो लूप हैं जिसमें दो सेल E1 व E2 हैं। इसमें तीन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैं। फर्स्ट लूप में I1 करंट R1 रेजिस्टेंस से होती हुई सेल E1 से आती है। दूसरी करंट I2 R2 रेजिस्टेंस से होती हुई E2 सेल से आती है। रेजिस्टेंस R3 में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट I1 प्लस I2 है। लूप फर्स्ट में I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2 है। लूप सेकंड में I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल E2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स का मैथमेटिकल सम सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के मैथमेटिकल सम के इक्वल होता है। ये DC सर्किट पर लागू होता है जब सर्किट सीरीज़ हो, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ ये AC पर भी लागू हो सकता है, लेकिन सिर्फ रेजिस्टिव लोड पर। किरचॉफ का सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ समझ में आया होगा। जय हिंद।